कर्मकांड में गणपति पूजन के बाद में फिर हम जब कलश की स्थापना करते हैं, कलश में आप रोली से, कलश के ऊपर रोली से स्वस्तिक का चिन्ह बनाकर और तीन धागों वाली मौली लपेटें, एक भी लपेट सकते हैं आप, और कलश को एक और रख लें। कलश स्थापित किए जाने वाली भूमि के ऊपर आप या पाटे के ऊपर कुमकुम या रोली से अष्टदल कमल बनाएं और फिर निमन मंत्र से भूमि का स्पर्श करें। जहां पर हम कलश लगाने जा रहे हैं वहां पर भूमि का स्पर्श करेंगे और ये मंत्र बोलेंगे। ओम भूरसे भूमिरस्यादितिरसि विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्य धर्त्रि पृथिवीं जच्छ पृथिवीं द्रिगुं ह पृथिवीं माहिगुंसी। ये मंत्र पढ़कर और भूमि के ऊपर सप्त धान्य अथवा गेहूं चावल या जो रख दे, इसके बाद में हम धान्य जब डालते हैं तो ये मंत्र पढ़े। ओम धान्यमसि धीनुहि देवान प्राणायत्वो दानायत्वा व्यानायत्वा दीर्घा मनु प्रेषिति मायुखे धाम देवो वह सविता हिरण्य पाणि प्रतिगृह्णा त्वच्छिद्रेण पाणिना चक्षुषे त्वा महीनां वायोसि। इसके बाद में वह कलश की स्थापना करें, कलश को रखें और मंत्र बोलें। ओम आजिग्रह कलशम मय्यात्वा विसंत्विन्दवः पुनरूर्जानि वरतस्वसानः सहस्रं दुच्छोरुधारा पयस्वती पुनर्मा विशताद्रायी। इसके बाद कलश में जल डालें। ओम वरुणस्योतम भन्मसे वरुणस्य स्कं सर्जनीस्थो वरुणस्य ऋतसदन्यसे वरुणस्य ऋतसदन्मसे वरुणस्य ऋतसदन्मासीद। इसके बाद कलश में चंदन डालें। ओम त्वां गंधर्वा अघनस्त्वां बिन्द्रसत्वां बृहस्पतिः त्वामोघदे सोमो राजा विद्वान् यक्ष्मादमुच्यत। इसके बाद कलश में सर्वौषधि डाले। ओम जा ओखधीः पूर्वा जाता देवी भेस्त्री युगं पुरा मनैनुब्रूणा महगुं सतन्धामानि सप्तच। इसके बाद कलश में दूब डाले। ओम कांडात कांडात प्रोहन्ते परुख परुहस्वरी एवानो दूर्वे प्रतनु सहस्रेण सतेन च। इसके बाद में कलश के ऊपर पंच पल्लव पांच पत्ते लगाए। ओम अश्वथे वो निखदनम पर्णे वो वस्तिस्कृता गोभाज इत्किलास्थ यतन्वसथ पुरुखम्मा। इसके बाद कलश में पवित्री डालें, यानी थोड़ी कुसा छोड़ दें। ओम पवित्रेस्थो वेषण्यो सवितुर्वाह प्रसव उत्पुन्या मच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्र पते पवित्र पूतस्य जत्कामः पुण्ये तच्छकेयम्। इसके बाद कलश में सप्तमृत्तिका डाले, यानी सात प्रकार की मिट्टी डाले उसमें। ओम शोना पृथिवी नो भवन चा निवेशनी जच्छानः सरम सप्रथाः। इसके बाद कलश में सुपारी डालिए। ओम जाह फलिनीर्जा अफला अपुकपा जाश्च पुक्पिणीः बृहस्पति प्रसूतास्तानो मुञ्चत्वगुंहसः। इसके बाद कलश में पंचरत्न डालिए। ओम परिवाज पतिः कविरग्नि हव्या नक्रामित दद्धत्राणि दासुखे। इसके बाद कलश में द्रव्य डालें, यानी कि रुपये का सिक्का डालें, चांदी का सिक्का भी डाल सकते हैं। ओम हिरण्य गर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत सदा धार पृथिवीं दामुते मं कस्मै देवाय हविखा विद्धेम। इसके बाद कलश पर वस्त्र रखें आप, कलश को वस्त्र से अलंकृत करें।
ओम सुजातो ज्योतिखा सहसरं वारुत्मा सदस्वाह वासो अग्ने विश्वरूपगुं संव्यवस्वा विभावसो। इसके बाद कलश पर पूर्ण पात्र रखें, यानी कि एक कटोरी को चावल से भर करके उसके ऊपर रखें। पूर्ण पात्र रखा जाता है कलश के ऊपर। ओम पूर्णा धर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वस्ने विक्रीणा वह इख ऊर्जगुं सतक्रतो। और इस चावल से भरे हुए पूर्ण पात्र के ऊपर लाल कपड़ा लपेटे हुए नारियल को रखें। नारियल रखने का विधान वैसे नक पर दिया गया है, उसको कैसे रखा जाता है, मुख किधर किया जाता है, तो अच्छी तरीके से रख लें। ओम जाहा फलिनीर्जा अफला अपकुपा जाश्च पुक्पिणी बृहस्पति प्रसूतास्तानो मुञ्चत्वगुं हशः। और इसके बाद में सभी देवी देवताओं का आवाहन करना चाहिए। हाथ में सबसे पहले अक्षत और पुष्प लें और सबसे पहले वरुण जी का ध्यान करें। ओम तत्वाजामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदा शास्ते जजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बोध्यरु सगुं समान आयुः प्रमोघि। अस्मिन् कलशे वरुणं संगं सपरिवारं सायुधं सशक्तिमावाहयामि। ओम भ्रुवस्व भो वरुण इहागच्छ इह तिष्ठ स्थापयामि पूजयामि मम पूजां गृहाण। ओम अपाम पतये वरुणाय नमः। ऐसा कह करके अक्षत और पुष्प जो है वो कलश के ऊपर छोड़ दें। इसके बाद में हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर चारों वेद और अन्य देवी देवताओं का आप आह्वान करें कि कलश के अंदर ये सभी विराजमान हो जाएं। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रित मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मात्रगणा समृत कुक्षो तु सागर सर्वे सप्तद्वीप वसुंदर ऋग्वेदोत्यजुर्वेदो सामवेदो यत्वर्ण अंगेश्च सहिता सर्वे कलशमतु समाश्रित अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टिकरी तथा आयन्तु देव पूज्यार्थं दुरितक्षयकारकाः गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु सर्वे समुद्राः सरित्तीर्थानि जलदानद आयन्तु मम संत्यर्थं दुरितक्षयकारकाः। इस प्रकार अक्षत और पुष्प से वो उनके ऊपर छोड़ दें और कलश की प्रतिष्ठा करें। प्रतिष्ठा है दोनों हाथ दिखा करके कलश को और बोलिए ओम मनो ज्योतिर्जुखतामा जश्य बृहस्पतिर जज्येमि मंतरो त्वष्ट गुं जज्ये गुं समीमं दधातु विश्वे देवा स इह मादयन्ताम ओम प्रतिष्ठा। कलशे वरुणादा वायुदेवता सुव्रतां वरदा भवन्तु ओम वरुणादा वायुदेवताभ्यो नमः। इस प्रकार कहकर अक्षत पुष्प कलश के पास छोड़ दें। इसके बाद में सभी वस्तुएं अर्पण करें। वस्तु अर्पण के मंत्र जो है हमने इसी प्लेलिस्ट के अंदर दिए हुए हैं। जो जो सभी वस्तुएं अर्पण की जाती है वो एक जैसे मंत्र होते हैं सभी देवी देवताओं के। जब हम वस्तु अर्पण करते हैं जैसे ध्यान है, आसन है, पाद्य अर्घ्य, स्नान के लिए जल, स्नान के लिए आचमन, पंचामृत, गंधोदक, शुद्धोदक, आचमन वस्त्र, आचमन यज्ञोपवीत, आचमन उपवस्त्र और चंदन, अक्षत पुष्प, नाना परिमल द्रव्य, सुगंधित द्रव्य, धूप, दीप, हस्त प्रक्षालन, नैवेद्य, करोद्वर्तन, तांबूल दक्षिणा, आरती, पुष्पांजलि प्रदक्षिणा और ये चीज सबको अर्पण करके और उसके बाद में प्रार्थना करें हाथ में पुष्प लेकर के। पुनः देवदानव संवादे मध्यमाने महोदधो उत्पन्नोऽसि तदा कुंभ विद्रितो विष्णुना सव्यम तव तो स्रव तीर्थानि देवा सर्वे त्वयि स्थिता त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणा प्रतिष्ठिता शिव सव्यम त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापतिः आदित्य वसवो रुद्रा विश्वदेवा सपैत्रिकाः त्वयि तिष्ठन्ति सर्वे अपि जत काम फलप्रदा त्वत्प्रसादादिदं पूजं कर्तुमिहे जलोद्भव सानिध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा। नमो नमस्ते स्फटिका प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपाशहसताय यजशासनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते। ओम अपाम पतये वरुणाय नमः। ओम वरुणादा वाहि देवताभ्यो नमः। प्रार्थना पूर्वकम् नमस्कार करोमि। इस प्रकार वरुण देवता के पूजन करें। इस प्रकार से शास्त्रोक्त विधि से कलश की स्थापना होती है और उसके बाद में अन्य देवताओं का पूजन किया जाता है। जय श्री राम।